शदीद गर्मी जा रही थी भाई, हम जो है इतनी पप्पू आवाज चल रही है, अल्लाह करे रात तक जो है थोड़ी बर्फबारी ठीक हो जाए तो मजा आ जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आपका भाई इसलिए आहिस्ता बोल रहा है क्योंकि रात के इस टाइम बज रहे हैं 3 और आपका भाई तैयार हो गया। और वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ द ट्रिप। तो ये कि आपका भाई जो अब निकल रहा है इस टाइम रात के 3 बजे, इंशाल्लाह खैर खैरियत से निकलेंगे और देखते हैं कहाँ कहाँ तक हम जाते हैं। तो आप लोगों के साथ साथ रहना है और अभी बस निकलते हैं, जाकर पेट्रोल वगैरह डालते हैं गाड़ी में और उसके बाद अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं आज के व्लॉग को, साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, करो मैं कह रहे हैं करो, ठीक है समरिया। चलो अब निकलते हैं, फिर आपको रास्ते में मिलता हूँ। तो ओके भाई, पहली टंकी फुल हुई है तकरीबन 7,500 में, अब देखते हैं कहाँ तक जाती है। बाकी अब टंकी फुल हो गई, अब निकलते हैं अपनी सफ़र की तरफ और मिलते हैं आपसे डायरेक्ट बैरा जाके, क्योंकि अभी अंधेर है, कोई व्यू दिखाने के लायक नहीं है। तो बैरा जाकर वहाँ स्टॉप लेते हैं, फिर आपको मैं साथ साथ बताता हूँ और ये भी साथ साथ बताऊँगा कि कितना पेट्रोल लग रहा है कितना नहीं। तो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। बैरा पहुँचने में तो अभी तकरीबन 3-3.5 घंटे हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि अपन कोई स्नैक्स वगैरह ले लें, क्योंकि रास्ते के लिए हमने अभी कुछ भी लिया था और अब लेने लगूँ मैं। यहाँ पे काफ़ी चिपस चुपस पड़े हुए, बिस्किट भी पड़े हुए, देखते हैं क्या क्या उठाना है वो उठाते हैं तो फिर निकलते हैं यहाँ से। भूख भी बहुत लगी हुई है, लेकिन खाना डायरेक्ट बहरा जा कर ही खाएंगे। ये सारा सामान हो गया भाई, क्या क्या लिया हमने, वेफर ले लिए, जेलीज ले लिए और चिप्स हैं और पीनट है, और क्या लेना है, और पानी के लिए लेते हैं। अब देखते हैं क्या क्या मिलता है पानी के लिए, इधर पीने के लिए इधर पड़ा हुआ है, क्या क्या पड़ा हुआ यार। सफ़र की एक चीज़ मज़े की है, बंदे को खाने को बहुत मिलता है, तो इसमें से हम क्या उठाएं क्या उठाएं क्या उठाएं, हम उठाते हैं ये, क्या कैसी उठा लेते हैं, चलो भाई ये उठाते हैं, चलो बस काफ़ी हो गया, बाकी खर्चा जो हम बहरा जा के करेंगे। तो फाइनली भाई बहरा आ गए हैं काफ़ी देर के बाद और फुल थकावट हुई इस टाइम, क्योंकि साथ साथ आपका भाई जो है वो काम भी कर रहा था ऑफिस का, तो वो किया। और बहरा का हिसाब किताब आपको दिखाऊं तो ये हिसाब किताब चल रहा है फुल टाइम जो है, अगलों ने डेटिंग सीन ऑन किया हुआ है, इधर फुल डेटिंग स्पॉट बना हुआ है, बंदे बंदा आया हुआ है। तो ये है कि अभी खाना ऑर्डर कराया है, जैसे ही खाना आएगा तो खाना पाड़ेंगे, साथ साथ चाय भी लेंगे क्योंकि नींद फुल टाइम आ रही है और अभी गाड़ी और ड्राइव करनी है तो साथ कॉफ़ी या चाय बहुत ज़रूरी है। और अभी जो है इसके बाद निकलेंगे इस्लामाबाद, वहाँ जाकर देखते हैं अगर वहीं स्टे करना हुआ, क्योंकि इस टाइम जो है थकावट फुल टाइम हुई हुई है आपके भाई की। आपका भाई कल सुबह से नहीं सोया हुआ, तो देखते हैं क्या बनता है कि शायद जाकर जो है इस्लामाबाद ही स्टे करें, तो जो होगा देखते हैं। फ़िलहाल आप भी इंतज़ार कीजिए जैसे मैं खाने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही खाना आता तो खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं, तो स्टे ट्यून्ड भाई। तो फाइनली खाना आ गया और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ हाँ अरे ये पीसेज हैं, ये चिकन हैं और ये फ्राइज़ हैं, तो बिना इंतज़ार किए इसको खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं गाड़ी में इंशाल्लाह, तब के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। चाय आ गई है लेकिन पता नहीं है क्या पानी पानी सारी हुई पड़ी है, ये पता नहीं क्या उठा के बना दिए। तो ये कि अब चाय पीते हैं, एक्टिव होते हैं और फिर रवाना होते हैं। बाकी सीन्स कुछ ये हैं कि भाई यहाँ तो फुल टाइम ही माहौल चला हुआ था, अब सारे निकल गए हैं, अब हम रह गए, हम भी पीते हैं चाय और फिर निकलते हैं और आपसे मिलते हैं अगले स्पॉट पे।
जी तो फिलहाल अभी मानसहरा रुके हैं और कमर रह गई है भाई अपनी। पहले सीन था कि इस्लामाबाद का, लेकिन फिर हमने सोचा कि इस्लामाबाद रहकर दिन ही ज़ाया होगा तो डायरेक्ट निकलते हैं नारान। तो अभी हम मानसहरा पहुँचे हैं और अभी यहाँ से भी जो है 3 घंटे या 4 घंटे लगेंगे। अभी ये कि गाड़ी की हम टेंकी ज़रा फिर से फुल करा रहे हैं क्योंकि सेफ साइड रखनी चाहिए, और थोड़ा सा यहाँ से चाय वगैरह लेंगे फिर डायरेक्ट नारान पहुँचेंगे। अल्लाह करे जल्दी पहुँचें क्योंकि अपनी जो हालत है इस टाइम फुल एंड हो गई है। लेकिन ये कि पहुँचेंगे तो हमारा दिन भी ज़ाया नहीं होगा और सुकून रहेगा, तो साथ साथ चलते जाएँ और देखते जाएँ हम कहाँ कहाँ जाते हैं। फ़िलहाल के नज़ारे कुछ ऐसे हैं भाई कि फुल ही फुल जो है पहाड़ों पहाड़ हुआ है, कोई झील अभी तक नज़र नहीं आई, और मैं जो हूँ वो झील का शौकीन हूँ तो वो नज़र आएगी तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगा। काफ़ी कोई 9-10 घंटे की ड्राइव के बाद अब एक लिए हमने रेस्ट एक जगह वहाँ पर उतरे हैं। थैंक यू कैमरा सपोर्ट करने के लिए। अगर लोगों को व्यू दिखाएं भाई, आपको व्यू है, नीचे पानी है, जिसमें पानी चाहिए उसको यहाँ नीचे, यहाँ से नीचे निकल जाए उसको हाथ चाहिए वो इधर खड़ा है। बादल है बादलों में, आप खूबसूरत व्यू है भाई। पहले तो शदीद गर्मी जा रही थी भाई, अब जो है इतनी पप्पू आवाज चल रही है और अल्लाह करे रात तक जो है थोड़ी बर्फबारी भी पहुंचे तो मजा आ जाए। तो ये कि अब जो है थोड़ा बहुत इधर रेस्ट करेंगे, मतलब थोड़ा फिरेंगे हवा लेंगे, फिर उसके बाद आगे ना आने। फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दानन रत दुम दानन, रुम दुम दानन रत दुम दानन, रुम दुम दानन रत दुम दानन भैया। ये तो फाइनली भाई बहुत आवाज़ आ रही है और ख्वारी के बाद जो है नारान पहुंच गए हैं, और नारान आके जो सुकून मिला है भाई और जो ये हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ये चेक करो बस। ओए खूबसूरत माशाल्लाह भाई, अपना पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। अभी ये है कि अपना डिसाइड हो रहा है कि होटल किधर करना है, तो वो देख रहे हैं। जैसे ही होटल मिलता है तो आप लोग को मैं होटल विज़िट कराता हूँ और साथ फिर खाना ऑर्डर कराना है, क्योंकि पेड़ जो है इस वक्त फुल टाइम आवाज़ें मार रहा है कि भाई कुछ अंदर फेंक दो, कुछ खाना डाल दो। तो ये कि खाना फिर ऑर्डर कराते हैं, होटल बुक करते हैं, फिर आप लोग को मैं दिखाता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड भाई जान। तो खाना आ गया, एक आई है ये गरम गरम चिकन कढ़ाई, और एक आई है ये पठान के हाथ की चिकन जलफरेज, और इसको जो है मैंने उड़ा जाना है तो इसलिए इंतज़ार नहीं करेंगे, आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। फिलहाल भाई को खाना खाने दें, फिर मिलते हैं। आए आए आए।